हमारे घर पे कोई आने वाला है। सो आज मम्मी और पापा दोनों आने वाले हैं, यानी कि रुद्रांश की नानी नानू आने वाले हैं। अभी कुछ टाइम पहले उसके दादू दादी आए थे, उसके स्कूल में कुछ प्रोग्राम था तो उसके लिए आए हुए थे, वो चले गए हैं। और फिर उसके बाद बीच में रुद्रांश की थोड़ी सी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी, जैसा कि मैंने बताया था पिछले ब्लॉग्स में, HFMD वायरस करके कुछ हो गया था। और अभी मैंने फिर बीच में कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि उसकी हालत थोड़ी ऐसी ही थी। ये देखो अभी भी उसके फोड़े कुछ इस तरीके से हैं, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, अभी थोड़े थोड़े सूख रहे हैं क्योंकि अभी प्रॉपर मैं उसको दवाइयाँ वगैरह दे रही हूँ एंड ट्यूब वगैरह है ना, तो वो सारी चीज़ें उसको मैं प्रॉपर टाइम पे दे रही हूँ। आज उसके नानू नानी आ रहे हैं, सो अभी हम लोग जाएंगे उनको स्टेशन लेने के लिए और वो 9 बजे के करीब स्टेशन की ट्रेन आएगी तो हम लोग 8:30 बजे के करीब निकलेंगे। डिनर नहीं बनाया है, मम्मी बोल रही है, मम्मी का आज एक्चुअली फास्ट था सो मम्मी खा के आएंगी ट्रेन में, मतलब वो लेके आई होंगी, और पापा ने भी खा लिया है, हम दोनों को ही खाना है। सो मम्मी बोल रही थी मैं चूल्हे की रोटी बना के लेके आई हूँ, सो तू रोटी नहीं बनाना, तो मैंने दाल बनाई है। सो आज हम लोग घर का खाना खाएंगे, जो चूल्हे का बना रहता है ना वो रोटियां खाएंगे। तो अभी दाल उबल गई है, अभी हम लोग जाते हैं स्टेशन, मम्मी पापा को लेके आते हैं। और इसका थोड़ा सा अभी स्कूल नहीं जा रहा है तो इसका होमवर्क आ जाता है तो वो मुझे करवाना पड़ता है। सो यहाँ पे इसका होमवर्क चल रहा है एंड इधर मस्ती भी चल रही है, दोनों काम हो रहे हैं। कर्सिव राइटिंग एंड 2 letter words एंड 3 letters words के स्टार्ट हो गए हैं, कैट बैट मैट, ये अभी उसका राइटिंग स्टार्ट हो गया है एंड राइटिंग तो कम होती है, कॉपियाँ ज़्यादा फटती हैं। देखो कपड़े पहना के नहीं रखे हैं क्योंकि दवाई लगाई हुई थी ना तो उसके वजह से दवाई छूटने का वो रहा था ना, सो इसलिए इसको थोड़ा सा खुला रखती हूँ जैसे कि ये चोट उसकी ठीक हो जाए। ये या फूल रही थी। कोई नहीं, वो ठीक हो रही है, जितना हो सके कम कपड़े पहना के रखते हैं, फुंसी है ना वो जल्दी से ठीक हो जाए। और यहाँ पे चल रहा है ये डिफ्यूजर, अभी चलते हैं स्टेशन। बिल्ली से मिला बल्ली, सुनाई सुनाई नहीं दे रहा, चूहा ही था या कुछ और था? इतना बड़ा चूहा था इधर भगवान के पास बैठा था। गाड़ी में इतना मोटा चूहा घुस गया है इनके अकॉर्डिंग, इन्होंने देखा होगा। अरे मैंने देखा, को गाड़ी खोलते टाइम बम्प किया ना आगे। कल हम लोग गए हुए थे थोड़ा सा बाहर, तब थोड़ा सा हमें आवाज आई तो हमें लगा शायद गाड़ी के नीचे डॉग चला गया तो उसकी आवाज आ रही है, मतलब वो कर रहा है, बट आज इन्होंने ना सच में देख लिया चूहा, यहाँ ये आ गया ना, ये डेस्क पे घूम रहा था। सो अभी पता बड़ा नहीं सा, बड़ा सा मोटा सा, पता नहीं वायर वायर नहीं काट दिए हो उसने, दिक्कत ये हो रही है। और अंदर गया कैसे वो समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग पहुँच गए स्टेशन, अभी पापा की ट्रेन लगी नहीं है, मतलब प्लेटफार्म पे नहीं लगी है। क्या हो गया? तो ये चेक कर रहे हैं चूहे को, हमने गाड़ी में थोड़ा सा खोल के देखा, उसमें रखी हुई थी बॉटल्स, तो उनको उसने ना कुतर दिया है बॉटल्स को एंड कुछ कुछ कुतरा हुआ डला हुआ है। थोड़ा सा मैंने गाड़ी के ना डोर ओपन कर दिए थे कि अगर होगा तो बाहर निकल जाएगा, तो ये चेक कर रहे हैं कि है कहाँ, वो वैसे दिखेगा नहीं। सब खाया उसने गाड़ी में, जो जो सामान रखा था उसने सारे फ्लेवर ले लिए खाली। जब उसने बॉटल काट दी तो ये सॉस जैसी चीज क्यों छोड़ेगा, वो इस बॉटल को उसने काट दिया, ये पानी लीक हो रहा है इसमें से। पानी का क्या करते हैं? हाँ डिग्गी ओपन करो, मुझे डाउट लग रहा है कि उस टायर के पास ना हो। हाँ ये तो बहुत सारी काट दी है, ये भी काट दी है ना, मैं पिंजरा छोड़ देंगे अपन है ना। मम्मी और पापा दोनों आ गए हैं, अभी चलते हैं घर और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट डे। और अभी रुद्रांश के पापा जा रहे हैं ऑफिस, सो उनका टिफिन वगैरह सब पैक कर दिया है, वो ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हमारे घर में इस टाइम पे बन रहा है लंच क्योंकि रुद्रांश के पापा भी ऑफिस निकल गए हैं, सो टाइम हो रहा है अभी 8:30 बज रहे हैं और आज लंच पूरा मम्मी ने बनाया है इनके टिफिन के लिए, तो सुबह में ही मतलब खाना बन जाता है हमारा सारा, सो कढ़ी चावल एंड रोटी वो आज पूरा मम्मी ने बनाया है। घर में अभी बाकी सारे काम पड़े हुए हैं सो काम करते हैं, एंड रिसेंटली मैंने अभी मेड भी रखी हुई है तो वो आएगी, फिर झाड़ू पोछा एंड बर्तन वो करके जाती है। मम्मी को दिखाती है, मम्मी किचन में खाना बना रही है और बाकी अभी मुझे थोड़ा बहुत करना है, ये सब साफ़ करूँगी, सोफे को साफ़ करूँगी, सारे बेड साफ, मम्मी देखो खाना बना रही है। क्या हो गया? मम्मी की बन गई है रोटी, मम्मी ने नहा लिया है, रोटी बन गई है एंड ये कढ़ी बन गई है
और कड़ी चावल रोटी हमारा बन गया है लंच। मॉर्निंग में ही बन जाता है। रुद्रांश को भी रखना पड़ता है टिफिन पैक करके, रुद्रांश के पापा को भी टिफिन पैक करके रखना पड़ता है। सो सुबह में ही हमारा खाना बन जाता है क्योंकि फिर मैं ही रह जाती हूँ, फिर मैं अकेले के लिए क्या दोपहर में बनाऊँ। सो सुबह में ही मैं बना लेती हूँ और फिर ब्रेकफास्ट भी बन जाता है, सो सुबह हो जाता है और दोपहर के लिए खाना भी बना के रख लेती हूँ। मम्मी लेके आई हुई है ये भुनी हुई मूँगफली, ये रखी हुई है और वहाँ वो दूर उधर रखी हुई है ना, वो गीली वाली मूँगफली। सो मम्मी दोनों लेके आई थी, भुनी हुई एंड गीली वाली मूँगफली। मतलब ये भी गीली ही है बट ये भून के लेके आई थी और काफ़ी टेस्टी लगती खाने में ना। काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, पूरा बेडरूम में देखो गंदा पड़ा हुआ है। सो मैं भी फटाफट से इनको साफ कर देती हूँ। रुद्रांश के कोड़े सूख गए हैं अब तो, अब इनके अंदर जो पानी था ना वो नहीं रहा है। ये यहाँ पे भी तो हो रहा है ये कि मॉस्किटो ने बाइट किया है। मॉस्किटो अच्छा, और रुद्रांश लिए हुए बहुत सारे पैसे, 5,000 के नोट है। देखो असली नहीं है, नकली है। कल उसको मैं फिर स्कूल भेजूंगी, थोड़ा सा ठीक हो गया है क्योंकि उसका पढ़ाई में भी काफ़ी लॉस हो रहा है। बच्चे स्कूल में ना बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी उन्हें एक्टिविटी मिल जाती है सीखने के लिए, जो घर में नहीं मिलती वो स्कूल में जाके मिल जाती है। सो घर में उसका इतना नहीं हो पा रहा है तो मैं सोच रही हूँ कल उसको स्कूल भेजूंगी। गैस मैं साफ कर दूंगी। काफ़ी टाइम हो गया था ना घर में डीप क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि कुछ टाइम से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, फिर उसके बाद रुद्रांश के पापा की तबीयत खराब हुई, फिर रुद्रांश की तबीयत खराब हो गई ना, तो फिर ऐसे में क्या क्लीनिंग का काम लेके बैठो। और फिर ना ये सारे काम में ना थोड़ा सा टाइम भी लगता है, मेड आती है बट मेड लोग ना थोड़ा ऊपर साफ कर लेते हैं, डीप क्लीनिंग आप ही करो अच्छे से ना तभी हो पाती है। सो यहाँ पर मैंने सोफे वगैरह सब अच्छे से साफ कर दिए है और उसके बाद अभी मैं जाऊंगी बेडरूम की सफाई करने के लिए क्योंकि बेडरूम में भी अभी बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ था क्योंकि सुबह सुबह खाना वगैरह बनता है ना, तो फिर उसके बाद ही मैं ये सारे काम कर पाती हूँ क्योंकि सुबह फिर रुद्रांश के पापा भी ऑफिस जाते हैं, रुद्रांश भी स्कूल जाता है, तो सुबह सुबह काम का बहुत ज़्यादा वो वैसा रहता है ना जल्दी जल्दी काम करने का। सो यहाँ पे अभी रूम की भी मैंने सफाई कर दी और ना आज ऐसा लग रहा था मैं पूरा घर अच्छे से साफ कर दूँ क्योंकि ना काफ़ी टाइम से ना मैंने बताया ना तबीयत ठीक नहीं चली, तो बहुत सारी मेडिसिन इकट्ठी हो गई थी, कुछ पुरानी पड़ी हुई थी, तो सोचने लगे हाथ ना ये सारी एक्सपायरी दवाइयाँ, ये देखिए कि जितने सारे सिरप रखे हुए हैं सारे एक्सपायरी हैं, ये सिरप सब इकट्ठा ये सब निकाल दिया है मैंने और ये सब फेंकूंगी मैं। और यहाँ पे मेरी सफाई हो गई थी, फिर रुद्रांश ने अपना काम फैला लिया, पूरे टॉय फैला लिए थे उसने। मम्मी बैठी हुई थी, मम्मी बोल रही थी मेरे बच्चों ने तो कभी इतने टॉय से खेला नहीं। मैंने कहा मम्मी वो सब समय समय की बातें रहती हैं। सो यहाँ पे अभी हम हो रहे हैं रेडी, कहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग आए हुए हैं छत पे घूमने के लिए, नीचे हम लोग हो रहे थे बोर, पापा आए गन्ने लेके, रुद्रांश को गन्ने खिलाने के लिए छत पे से पापा गन्ने छील रहे हैं। एंड मौसम ना काफ़ी वैसा हो रहा था और हम जैसे ऊपर आए ना तो धूप से निकल आई है। गांव से कोई आता है ना तो घर ही घर में थोड़ा एकदम कैद कैद सा लगता है और बंद सा लगता है, सब सोचा थोड़ा सा ऊपर घूम के आते हैं। पापा छील रहे हैं रुद्रांश के लिए गन्ने, रुद्रांश तो नहीं खा रहा, पापा ही खाने लग गए हैं। कहाँ छत से आ गए हैं एंड मम्मी ना मावा लेके आई हुई है, सो उसके मैं बनाने वाली हूँ पेड़े। कढ़ाई में डाल दिया है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा ना और उसके बाद फिर मैं इसमें चीनी मिला दूँ। एक्चुअली मम्मी और पापा पता है किस लिए आए हैं, मम्मी पापा रुद्रांश को मावा देने के लिए आए हैं, उसको मावा खाना था, गन्ने खाना था, भुट्टा खाना था, मुझे चीनी पीसना है। तब तक ये थोड़ा सा ठंडा होगा तब तक मैं चीनी पीस लूँगी, फिर उसके बाद हम बनाएंगे पेड़े। खालो खालो पहला पेड़ा बना और पहला ही मुँह में गया। मावा हमारा ठंडा हो गया था, उसमें इलायची मिक्स कर दी एंड चीनी डाल दिए। अब बनाएंगे हम अपने पेड़े। हेलो गाइस, मैं हूँ रुद्रांश, ये मैं रुद्रांश, ये मेरी नानी। हाय हेलो बोलो। हाय हेलो, और ये हमारी फैमिली। अभी मैं यहाँ पे डिनर तैयार कर रही हूँ और रुद्रांश के पापा भी ऑफिस से आ गए थे तो सोचा सब साथ में बैठ के चाय पियेंगे। तो एक साइड चाय बन रही है और एक तरफ मैं सब्जी भी फ्राई कर दे रही हूँ। सो यहाँ पे कद्दू की सब्जी बन रही है और बस यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, मम्मी कुछ काम लेके बैठी हुई थी, भुट्टा रखे हुए थे तो उसका दाना निकाल रही थी, मैंने सोचा इसका कुछ अच्छा सा बना लूँगी, सो इसलिए मम्मी ने सारे भुट्टे के दाने निकाल दिए हैं। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।